हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका होस्ट और दोस्त कुलबीर, और आप देख रहे हैं अबाउट कार्स। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो है आपका व्हील कवर के ऊपर। और जो व्हील कवर है, ये जो मैंने बाई की है, एम के अमेजोन से की है, और इनके जो आप फिटिंग के ऊपर वीडियो होने वाला है। और मेरा मेनली ये बताने का आपका मोटिव है कि आप किस प्रकार से ऑनलाइन बाई कर सकते हैं व्हील कवर, और मार्केट प्राइस से आपको 300 या 400 रुपीज़ आपको ये चीप पड़ जाएगा, मतलब आपको कम पड़ जाएगा। अगर तो आप बाय कैसे करेंगे, तो ये मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और आप रिम की साइज की बेस पे ही आपके व्हील कवर आते हैं, और उसी के बेस पे आप उसे बाय कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से आप अपनी रिम का साइज है वो अपने टायर में ढूंढेंगे आप वहाँ पे। तो इसके ऊपर आज का वीडियो होने वाला है, उसके बाद हम इसको व्हील कवर इसमें इंस्टॉल कर देंगे। पहले मैं आपको अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ एक बार, जो मेरे पास व्हील कवर है जो मैंने अमेजोन से बाई किए हैं। और ये पड़े हैं मुझे 955 रुपीज़ के, और जो मैंने बाहर पता किया तो करीब कोई 1300 रुपीज़ बोला था, कोई 1400 रुपीज़ बोला था, और 1200 रुपीज़ भी एक बोला था, लेकिन उसमें क्वालिटी बहुत ही ख़राब थी। और ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। बाकी अगर आप ऑफ रोडिंग करते हैं तो आप इसमें जो टैग्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपका जो व्हील कवर हो निकले ना टायर से। और अगर आप नॉर्मली हाईवेज पे या फिर अच्छी सड़कों पे चल रहे हैं, तो वहाँ पे आप जो बिना टैग के अपना व्हील कवर आप फिट करके चला सकते हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और साथ में दबाएं बेल आइकन ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पाएं। दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं ताइवान व्हील कवर सिंस 1998। तो ये है आपके 4 पीस इसमें आते हैं आपके। दूसरी बात, जो कंपनी जिस टाइप का आपका देती है, मतलब अलग अलग डिज़ाइन के रहते हैं, तो आपका ये वाला जो वैगनार हो गया, और फिर आपके अल्टो हो गई, अल्टो केटन हो गई, तो उसमें इस प्रकार के आपके व्हील कवर आते हैं। तो वही मैंने मंगाए हैं, क्योंकि मेरे पास दो इसी टाइप के थे पहले से ही। तो मेरे जब मैं दो हॉल लगाऊंगा तो फिर मेरे दो सेफ रह जाएंगे, और अब बाद में अगर आप कभी कोई खो जाता है या फिर ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, तो फिर आप यहाँ से एक चेंज करके लगा सकते हैं। उसमें आपका मनी भी सेव होगा, और अगर अलग अलग मॉडल के लगाएंगे आप, तो उसमें ऐसा है कि आपको दो जो व्हील कवर हैं वो आपके वैसे पड़े रहेंगे। काफ़ी अच्छी पैकिंग में आया था, बाकी मैंने इसकी पैकिंग हटा रखी है। इसमें आप एक चीज़ देख रहे होंगे, ये रिंग्स इसमें अलग आती हैं, और ये आपको खुद फिट करनी पड़ेगी। मैं इस वीडियो में आपको दिखा दूंगा किस प्रकार से आप अपने जो ये रिंग्स हैं वो फिट करेंगे। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे होंगे, ये अलग से रिंग आती है इसमें। और इसमें एक जगह आपको जहाँ पे आपकी नोजल रहती है एयर वाली, जहाँ से आप एयर फिल करते हैं, तो वहाँ पे हल्का सा आपका बैंड होता है, जो आप भी देख पा रहे होंगे ये वाला बैंड। तो ये आपका बैंड रहा, यहाँ पे बैंड रहेगा, तो ये आपको लगाना है। इसमें भी आपको एक साइज मिलेगी कहाँ पे आपको इसे फिट करना है। तो इस प्रकार से दोस्तों आपके व्हील कवर रहने वाले हैं, और बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ उसके रैपिंग बता के। काफ़ी अच्छा क्वालिटी में, ऐसा नहीं कह सकते हम कि हल्की क्वालिटी का, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक का इसमें यूज़ किया गया है। और बाकी आप देख ही रहे होंगे किस प्रकार से आपका व्हील कवर है। बाकी मैं आपको रिंग फिट करके दिखाता हूँ, उसके बाद आपको जो टायर का साइज आप किस प्रकार से पता करेंगे रिम का, वो भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलो, मैं आपको बाहर ले चलता हूँ। तो दोस्तों, आप ये देख पा रहे हो 5570R, जो ये आर है आपका, ये आर आपका रिम का साइज है, और रिम का साइज आपका 13 इंच है। तो इसका जो डायमीटर होगा आपको 13 इंच होगा ऊपर से नीचे तक। तो ये ऐसे आप पता करेंगे, आपके टायर में लिखा होगा कि आर 13, आर 14, आर 12, जितने भी आप साइज को, जैसे मारुति 800 का है तो उसका आर 12 रहता है यहाँ पे। ये अल्टो K10 वैगन आर में आर 13 यूज़ होता है। तो आप आर 13, मतलब आपका 13 इंच का रिम साइज है। और उसी प्रकार से आप अमेजोन में इसके टाइप करेंगे कि 13 इंच के जो हमें व्हील कवर हैं वो सर्च करेंगे, और उसके बाद आपको वो दिखा देगा। इस प्रकार से आप अपने लिए जो रिम का साइज आप ढूंढेंगे, और फिर आप इसे बाय करेंगे। तो दोस्तों, ये आपका व्हील कवर रहा, और व्हील कवर में आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, जहाँ पे उंगली है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये हल्का सा यू शेप में यहाँ पे कटिंग और की है। तो यहीं पे आपकी रिंग फिट होनी है,
टाइप से। और यहाँ पे आप रिंग में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ये वाला यू शेप बना हुआ है, इसको इस प्रकार से इसमें फिट करना है। दोस्तों इस प्रकार से फिट हो जाएगा। बाकी जो आपकी ये रिंग है, बाकी आपकी रिंग है ये, इसके अंदर फिटिंग है यहाँ पे, इसके अंदर पूरा यहाँ पे आपका एक सांचा टाइप का बना हुआ है, इसके अंदर एक फिट आ जाएगा। ये पूरी जो आपकी पूरी गोलाई में बना हुआ है बराबर, तो ये फिट हो जाएगी आपकी रिंग। बाकी आप ये देख के यहाँ पे फिट कर देंगे जो आपका ये यू शेप वाला है, ताकि जहाँ पे आपकी जो नोजल है, जहाँ से आप एयर फिल करेंगे, तो वहाँ पर यहाँ पे स्पेस रह जाएगा। इसके बाद मैं आपको इसे फिट करके दिखा दूँ। तो दोस्तों ये काफ़ी आपका टाइटली फिट हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे काफ़ी बढ़िया इसकी फिटिंग आई हो। बाकी आप यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे कि आपका नोजल यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया से, इसमें जो आपकी गैप है इसके अंदर ये फिट आ गया है, यहाँ देख पा रहे होंगे। तो इस प्रकार से आप इसे फिट करेंगे, इसी प्रकार से हम जो आपका दूसरी साइड का है उसका फिट कर देंगे। और बाकी दोस्तों जो मेरे आपके पुराने वाले व्हील कवर थे वो इस टाइप से लगे हुए हैं दोनों साइड से, तो मैंने यही इसी टाइप के डिज़ाइन मैंने मंगाया है, ताकि मेरे जो दो व्हील कवर हैं वो सेफ रहें बाद में। अगर आपका बाद में कोई टूट जाता है, कुछ ख़राब हो जाता है, तो आप उसमें आपके पास दो बैकअप हैं, आप उसे वापस फिट कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों हम दूसरा भी फिट करेंगे। बाकी इसमें मैंने रिंग फिट कर दी है, तो दोस्तों इस प्रकार से अब अपने व्हील कवर फिट करेंगे। और बाकी मैंने आपको इस वीडियो में दिखा दिया है कि इस प्रकार से आप अपनी जो रिम की साइज़ है पता कर सकते हैं, चाहे जितने भी हो, जहाँ पे आपका R13 या R14 जितना भी होगा तो उतना ही इंच आपका टायर होगा, और उसी प्रकार से आप ऑनलाइन इसे बाय कर सकते हैं। इस व्हील कवर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।